बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ा राहगीर थककर कहीं टिकने का स्थान खोजने लगा। एक महिला ने उसे अपने बाड़े में रहने का स्थान बता दिया। अब बूढ़ा वहीं चैन से सो गया। सुबह उठने पर उसने आगे चलने से पूर्व सोचा कि ये अच्छी जगह है, यहीं पे खिचड़ी पका ली जाए, फिर उसे खाकर आगे का सफर किया जाए। बूढ़े ने वहीं पड़ी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का चूल्हा बनाकर खिचड़ी पकाने लगा और उसने बटलोई उस स्त्री से मांग ली। बूढ़े राहगीर ने महिला का ध्यान बटाते हुए कहा, एक बात कहूँ? तो महिला कहती है, बोलिए बाबा। तो वो कहता है, बाड़े का दरवाजा ना कम चौड़ा है, अगर सामने वाली मोटी भैंस मर जाए तो फिर उसे उठाकर बाहर कैसे ले जाया जाएगा। महिला को इस वृद्ध की कड़वी बात का बुरा तो लगा, पर वो यह सोचकर चुप रह गई कि बुजुर्ग है और फिर कुछ देर बाद जाने ही वाला है, इसके मुंह क्यों लगा जाए। उधर चूल्हे पर चढ़ी खिचड़ी आधी ही पक पाई थी कि वो महिला किसी काम से फिर बाड़े से आती है, तो इस बार बूढ़ा उससे फिर बोला, तुम्हारे हाथों का चूड़ा बहुत कीमती लगता है, यदि तुम विधवा हो गई तो इसे तोड़ना पड़ेगा और ऐसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। बस इतना सुनना था कि महिला से सहा ना गया, भागती हुई आई। उसने बुढ़े के गमछे में अधपकी खिचड़ी उलट दी, चूल्हे की आग पर पानी डाल दिया और अपनी बटलोई छीन ली और बुढ़े को धक्के देकर निकाल दिया। तब उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसने माफी मांगी और आगे बढ़ गया। उसके गमछे से अधपकी खिचड़ी का पानी टपकता रहा और सारे कपड़े उससे खराब होते रहे। रास्ते में लोगों ने उससे पूछा, ये सब क्या है? तो बूढ़े ने कहा, यह मेरी जीभ का रस टपका है, जिसने पहले तिरस्कार कराया और अब हंसी उड़वा रहा है। तो ये कहानी हमें बताती है कि जब भी बोले तोल कर बोले, चाहे कम बोले लेकिन जितना भी बोले मधुर बोले और सोच कर बोले।